बच्चे की शक्ल ना सच में किस पे गई है? अक्षय पे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, कार्बन कॉपी है अक्षय का। सच में मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाटी वर। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। आज कल रात को बहुत लेट सोया था मैं, बहुत लेट सोया था और बहुत देर तक सोया हूँ आज मैं। घर वाले सारे उठ चुके हैं, घर में बहुत शोर शराबा सुबह से, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। और आजकल बेटू ने एक नई चीज़ सीखी है, रात को सोते हुए बेड पर घूमना, पूरे बेड पर घूमती है यार, वो पूरे बेड पर टेढ़ी मेढ़ी होकर सोती है। तो भाई मुझे लगता है ये चीज़ नॉर्मल है, यही सब चीज़ें बच्चा सीखता है। ये लगा लो कि मैं यहाँ सोता हूँ, ठीक है, ये मेरी साइड है, ये शाही की साइड है, ये वाली, बीच में बेटू सोती है। और वो बेटू ऐसे जाती है रात को, ऐसे लंबाई में हो जाती है लड़क लड़क के, तो मेरे पास बचती है, इतने बड़े आदमी के पास बचती है बस इतनी सी जगह। ये वाली फीलिंग भी अलग है। बड़ा अच्छा लगता है जब रात भर बेटू ऐसे कमर पे कभी लात मारते है, कभी कमर पीछे मारते है, पीठ पे, कभी ऊपर सोते सोते उसको नींद में एकदम खड़ी होके एकदम आगे ऊपर लेट जाती है, वो भी बहुत एक अलग फीलिंग है। ये लेट हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ बैठने के लिए। मैं ये होता है हवन, हवन हो रहा है आज। बेट जो हमारा मेरा जो भतीजा है, मेरा जो बच्चा है नया हुआ है, उसका आज नामकरण है। उसका अल्फाबेट देखेंगे निकलेगा, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। तो बेसिकली ये नामकरण आज हो रहा है हमारे नए बच्चे का, और देवी बॉय, यस चाचूज बॉय। परेशान मत करना, पूजा में सब बैठे हुए हैं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरे घुटने पे अभी शायद आपको बता दें थोड़े दिन पहले ये घुटना मेरा अच्छा खासा मुड़ गया था बहुत ज़्यादा, तो इसको हो गए 4-5 दिन हो गए हैं, पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। जब तक चल रहा हूँ ठीक है, पर अगर आगे की साइड स्ट्रेच कर रहा हूँ, पीछे साइड फोल्ड कर रहा हूँ, तो भी इसके अंदर अच्छा खासा दर्द है मुझे भी, मुझे इसका एक्सरे कराना पड़ेगा। गंदे पत्ते, आप हवन में क्यों नहीं चल रहे? चलेगा बाहर चलेगा, आप हवन में क्यों नहीं चले? चलो आ जाओ हवन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशी हो रही है, देख के देखना बेटू हवन को देख के इतना एक्साइटेड हो रहा है। मैं अपने नाम की सारी आयुक्ति दे आया हूँ, मैं बैठ नहीं पाता, तो मैंने वहीं पर खड़े खड़े तुरंत दे दी जो मेरे नाम की जितनी होती है। सबसे ज्यादा निशानी है जिसकी आंखें बहुत खराब हैं, तो मैं इनकी आंखें साफ हो रही है, शुद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है। मैं रो रहा हूं कि आंखों की भी शुद्धि हो रही है, आंसू नहीं आ रहा है। हां हां हां, मेरी आंखें अब तक नहीं खुल रही हैं। ये जो है, ये जिसकी आंखें, ये एक तरीके से हवन, देखो हवन में होती जा रही, जो मेरे आंसू आ रहे हैं बहुत तेज, बस मेरे को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कि मेरी आंखें वीक है। इंग्लिश में बताओ दे या दा? दी ना, क्या सोचा भाई नाम पे? दुर्वेश ऐसा नाम नहीं लग रहा एकदम, जैसे वो, अरे यार पापा गुजराती नाम लग रहा है। क्या नाम रखा? दुर्वेश। हाँ जी, कान बोलो सीधे कान में। जेठालाल का बड़ा भाई लग रहा भाई। किसे कान बोलो? अभी के लिए सीधे कान में। क्या अभी के लिए? अथर्व रखूंगा, अभी दाह से निकला इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, रीति रिवाज के हिसाब से बोल में ले। नाम पता क्या रखा?
क्या? नहीं, नाम निकला है डी से, ध्रुवेश। ध्रुवेश जेठालाल का बड़े भाई का नाम है ध्रुवेश। ध्रुवेश सबसे मेहनत वाला काम मैंने किया इस घर का, सबसे डेंजरस काम जो है। ओ यस, जलता वो पता, वो जितनी तेज चल रहा था ना उतनी तेज फ्लेम अपनी साइड आ रही थी हवा की से। ये घर की क्या हालत करा रखी है? पहले बताओ कौन से? मेरा जूते घर है, किसने खोल दिया? तो आप सही करा रहे, खराब था ना? ये देखो यहाँ पर, ये हमारे कमरे का, ये कमरे का हालत देखो क्या होगा। कमरा पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि आज सारा भी जितना भी हमारा वुडन का काम होना है, कारपेंटर जी आ रखे हैं, और सारा जितना भी मतलब टूटा फटा पड़ा, हमारे रैग ढीले हो गए थे, बार बार इसलिए बाहर आ रहे थे, ऊपर से माइश उन पर लटक जाती है, जोर लगाती है खोलने की कोशिश करती है, तो सारे आज पूरे सारे रिपेयर हो रहे हैं, इसलिए मैं जब से रेस्ट भी नहीं कर पाऊँ, बहुत तेज नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर खटर पटर थोड़ा ठगी चल रही है। ये देखो हमारे पुराने कैमरे, ये गिर गया था, इसका फोकस हिल गया, ठीक करा होगा ना? 50,000 रुपए देने से बढ़िया है। ये हमारा पुराना कैमरा है कैनन M50, ये गिर गया था तो इसका फोकस हिल गया है, ठीक है। ये इसके अंदर स्टेनलेस होगा, पहला कैमरा शाय का। ये सारे कैमरे हैं जो कि यूज करने की हम सोच रहे हैं रिपेयर करा के, है ना? एक चीज मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ, शाय के नाम से हो चुका है वो स्कैम और चल रहा है, निधि के नाम से भी हो चुका है, उन्होंने भी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे अवे करने के लिए, और आज मेरे पास डीएम्स आए, मैंने खोला इंस्टाग्राम तो काफ़ी डीएम्स आ रखे हैं कि ये आपकी आईडी है, ये गिव अवे के नाम पे या प्राइस के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, कोई 2,000, कोई 1,500, कोई 1,000, कोई ऐसे करके पैसे मांग रहे हैं। तो ये चीज़ दिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सी फेक आईडी से कौन पैसे मांग रहा है, ऐसे किसी को पर्सनल मैसेज करके हम कोई पैसे नहीं मांगते, ऐसे बहुत स्कैम चल रहे हैं, ये इस वक्त का ट्रेंडिंग स्कैम है, तो स्कैम में ना पड़े। गिव अवे के लिए कभी भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे वो शिपिंग चार्ज हो, चाहे वो गिव अवे का चार्ज हो, कोई चार्ज नहीं होता, गिव अवे हम अपने दिल से करते हैं, तो आप लोगों से पैसा लेके नहीं करते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिपमेंट के नाम पर लोग 20,000 रुपये मांग रहे हैं गिफ्ट गिव अवे के लिए, ये भी मैंने पढ़ा, एक यूट्यूबर बता कि मैं इसकी शॉट शेयर कर रहा था, 20,000 रुपये किसी से लिए शिपमेंट के नाम पे। तो भाई अगर गिव अवे हम भेज रहे हैं ना तो उसके शिपमेंट चार्ज भी हम ही उठाएंगे, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये शाय के नाम पे भी बहुत हो चुका है और सबके नाम पे चल रहा है, आज मेरे नाम से भी स्टार्ट हो गया। महेशु आपको पता है आपके भैया का नाम क्या रखा है? गंदे पापा क्या रखा है? अथर्व है, तो वही हम लोग कह रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि अथर्व नाम पसंद था, हम कह रहे थे जब हम अथर्व को ना प्यार से महेशा को महेशु करते हैं, तो हम अथर्व को क्या कहेंगे? तू मेरा प्यारा, तू अक्षय कहता है अथर्व। देखो रीति रिवाज के हिसाब से नाम दृश्यव रखा है, पर ध्रुविश चलो कोई नहीं, जैसे मेरा नाम पहले मयंक, तो मेरा अभी नाम हो गया था जब मैं नर्सरी में आया था, मेरा नाम एडमिशन में मयंक रखा गया था, उससे पहले मेरा नाम मोनिश था, मनीष था। मेरे जो कुआ पूजन की सीढ़ी है उसके अंदर लिखा होता है वेलकम होम करके, कुछ लिखा हुआ है मनीष, कुआ पूजन मनीष, क्या कर रहे हो ऊपर के ये क्या करना सीखा है माइशु को ना? देखो अब ये 1 साल की तो होने वाली है, 11 महीने और 10 दिन की हो चुकी है, और माइशु के मुझे लगता है कि दांत आने ना स्टार्ट हो गए, मसूड़े हल्के हल्के फूलने स्टार्ट हो गए। अच्छा आप ये देखो पन्नी, इसे खेल लो, चलो इसको लालच देना पड़ा था दूसरी चीज़ों का। क्या हो गया? मम्मी जल्दी आ जाओ, माइशु की मम्मी जल्दी आ जाओ माइशु के पास। ये चीज देखना, इस सोने से पहले इसका हमेशा का डांस होता है। सुनो मेरी बात, बेटू रिकॉर्ड हो गया, ये तो बेटी तो रिकॉर्ड हो गया, तो कब तक लोगों ने भी देख लिया, अब क्या करते हो? मम्मी का पेट तुमने कम कर रखा हो, चलो चल के पेट पे घूमती है लिटरली इसकी हरकतें इतनी प्यारी हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि इसकी स्पेशल एक सिर्फ मस्ती की वीडियो है,
आठ नौ मिनट की सिर्फ मस्ती की और कुछ नहीं, जो हमने इसकी रिकॉर्ड कर रखी है मोबाइल से, बहुत मस्ती की, तो सेपरेट बना के डाल देंगे। बहुत क्यूट मस्तियाँ करती है यार। जिसका बेबी होने वाला है, जिसका बेबी हो चुका है वो रिलेट कर सकता है, जिसका बेबी होने वाला है वो देख सकता है कि उनका बेबी क्या करने वाला है। और जिनको बेबी पसंद है उनको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप बोलोगे, कमेंट करके नीचे बताओगे, तो वो वीडियो आपको स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगी। इस फोन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत मस्तियाँ हैं, हंस हंस के पागल हो जाओगे। ये हमें फाइनली एक पैकेज रिसीव हुआ है, किससे? SS गिफ्टिंग से, हमें SSE गिफ्टिंग से हमें एक पैकेज रिसीव हुआ है। मैं पहले दिखा देता हूँ पैकेज में क्या है, पैकेज की दिखा देता हूँ। ये है SSE गिफ्टिंग, ये बहुत फ्रेंड का ही है, हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का ही पेज है, क्योंकि बेसिकली गिफ्टिंग पेज है तो आप गिफ्ट कर सकते हो। तो उसने हमें क्या क्या गिफ्ट में भेजा है भाई, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसको पता है कि मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, तो इस फोन ने मुझे ये मेजरिंग बहुत ही अच्छी है बॉटल, वाटर बॉटल भेजी, इसमें सब कुछ मेंशन है 2 AM 3 AM PM। अच्छा, टाइम्स भी लिखा है और कितना पीना वो भी लिखा है। ये स्नैकेबल बेग पिज्जा स्नैक्स भेजे हैं जो कि बेग्ड है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे रूम के लिए बहुत प्यारा है, आवर फैमिली ग्रोज लव, बहुत अच्छा है। और मैं दिखा दूँ मायशा के लिए, बहुत अच्छा है दिस व्हाइट बोर्ड, और पीछे से टॉय खेलने के लिए, तो मायशा के लिए भी गिफ्ट है इसके अंदर। एंड देन सम कुकीज 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 ओके। नेक्स्ट मयंक के लिए क्या भेजा है? मेरे लिए भेजा ओके हार्ली डेविडसन कीचेन, पर मैं भूसा चलाता हूं, पर दिस इज आल्सो नाइस एस प्रोटीन कुकी जो कि मैं बहुत जल्दी खाने वाली हूं। यस, और सो यहां पे एक बहुत अच्छा नोट लिखा, थैंक यू सो मच श्रेया बाय द वे, डियर शाय मयंक एंड मायशा, आई नो वी हैवंट मेट स्पोकन और मेट इन द लॉन्गेस्ट टाइम, बट नोस दैट आई विल ऑलवेज लव यू गाइस, यू हैव बीन नथिंग बट द स्वीटेस्ट इन द लास्ट ईयर, सेंडिंग यू अ स्मॉल थैंक्स यू टोकन From SSE Gifting, Shreya. Thank you, Shreya. SSE Gifting ही हमारी बहुत अच्छी दोस्त का है, श्रेया मेरी और अक्षय की, और शाय की, हम साथ में बहुत घूमते थे, तो उनका बहुत, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया है। ये यहाँ पे आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हो, हर ओकेशन के हिसाब से बहुत तरीके के ये हैम्पर्स बनाते हैं इनके, जाके इंस्टाग्राम पेज पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत अच्छे हैम्पर्स हैं, कस्टमाइज भी बनवा सकते हो, और इनफैक्ट कॉर्पोरेट के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स जो भी आपको करना है आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नाम हमने बच्चे का अथर रखा है, ऑफिशियल नेम जो रखेंगे जो कि पसंद होंगे मेरे पापा को। बाकी रिवाज के हिसाब से क्या रखा है कांशा बहन, क्या नाम रखा है? कुछ नहीं, ध्रुवेश, ध्रुवेश अच्छा, अथर्वी मेन नाम है। और एक लास्ट वीडियो को यहीं पे एंड करने से पहले कि अभी 2 मिनट पहले मेरे को एक और स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा है, क्या ये आप हो, क्या ये शाय दीदी हैं, और उन्होंने 1000 रुपये पे भी कर दिए, तो वो शिपिंग के चार्जेस के नाम पे ना लोग गिव अवे। देखो मैं साफ क्लियर शब्द में बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि हर यूट्यूबर के नाम से इस वक्त चल रहा है। कोई भी यूट्यूबर गिव अवे करता है उसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है। कोई भी अगर कोई गिव अवे पैसे दे करवा रहा है तो भाई वो गिव अवे नहीं है, चाहे शिपिंग हो चाहे कुछ हो, आपको कैसा भी रुपये नहीं पे करने हैं। प्लीज़ एक बार जिस कमेंट आ रहा है, खाली फोटो लगाने से ओरिजिनल आईडी नहीं हो जाती, उस आईडी को खोल के देखेंगे सब कुछ 000 मिलेगा, कोई सारी फेक आईडीज हैं, हमारी बहुत पुरानी आईडीज हैं, उस पर फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, उस पर लाइक्स भी अच्छे हैं, कमेंट्स भी अच्छे हैं, तो देख के थोड़ा आप खुद ही समझदार हैं। ऐसे हर किसी को विश्वास करके पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पैसे मत भेजना, हम किसी से कोई भी कैसा भी पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी यूट्यूबर नहीं करता इनफैक्ट। तो बाय गाइज, योर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जाने से पहले हाँ, बच्चे की शक्ल ना सच में किस पे गई है? अक्षय पे बिल्कुल डिट्टो कॉपी, कार्बन कॉपी है अक्षय का सच में। बाकी अभी चेहरा रिवील नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं चेहरा दिखाना, जब भी आने वाले ब्लॉग्स में दिखाएंगे सबसे पहले दिखाएंगे अक्षय की कार्बन कॉपी, बहुत क्यूट है। बाय बाय, गुड नाइट।